हाँ जी, कोई सवाल? आज दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिन्हें भी मैंबर जिते सी परमात्मा की बख्शिश नाल आज सारे श्री दरबार साहब श्री अकाल तख्त साहब पहुँच के इतने परमात्मा का शुकराना करने वास्ते आज सारे मैंबर्स इतने आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नवी टर्म शुरू करनी है। इतों आशीर्वाद लैके ही वह सारे ने फैसला किया है नवी टर्म शुरू करनी है। सिख जिथे भी दुनिया च बसया सारे श्री अकाल तख्त साहब नाल जुड़े हैं, जिन्होंने कौम नूं डिवाइड करन दी कोशिश की, अज सारी एक समुची कौम ने उन्होंने नकार के बार सिर दिता है, ऐजी हार दिती है, एक ऐजा सबक दिता कि अगे तो कोई हिम्मत नहीं करूगा सिख कौम नूं डिवाइड करन दी। साडा जिहड़ा रिश्ता बीजेपी नाल कोई सीटां वाला नहीं, साडा एक तुसीं देखिआ होणा है असीं पहले ही हां जिहड़ा हुण अनाउंस कीता है कि जो भी बीजेपी तां एनडीए फैसला करूगी असीं तुहानूं मंजूर है। असीं किते भी कोई साडा जिवें हुंदा ना कंडीशन नहीं लाई किसी चीज़ की। सो साडी जो साडी डिस्कशन होंदी असीं इंटरनली करके असीं फैसले कर लैंदे हां। सो इहदा कोई इहदा कोई इहदे नाल कोई लिंक नहीं है। अकाली दल चोन निशान ते लड़ू, इन्हां दा प्रोसीजर है मतलब 25 तरीक पहले तो नॉमीनेशन होनी है, 5 नॉमीनेशन होनी है, 3 एक एच ई पी सी तरफों, 2 फ्रॉम द मैंबरस ते 2 फ्रॉम सिख सभा साहब तो लॉटरी। उहदे बाद जो नोटिफिकेशन हो गई उन्हां दीआं ते मैनूं लगदा शायद 25 तरीक नूं प्रेसिडेंट का फैसला होना है। वो अपने मैंबर सारे अपने सोच समझ के जिन्होंने चाहेंगे तो ही विल नहीं साड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस मंगनी नहीं नहीं साड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस मंगनी नहीं नहीं लफाफा ऐद की तुहानू दे देंगे एक तो ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंट्स सारा कुछ ऑनलाइन वैब पर हो जूगा। उहदे च कंप्लीट एजुकेशन बोर्ड विल बी सैट अप विद ओनली प्रोफेशनल्स हू विल इंश्योर दैट कि एजुकेशन जिहड़ा अपना लैवल है उहदा मन्निया जिहड़ी रेपूटेशन अपनी जिहड़ी बहुत पहले जिन्ने भी साडे स्कूल सी उह एक नंबर दे स्कूल मन्ने जांदे सी, पर पिछले 12 सालां दे उहनां दी क्वालिटी घट गई बहुत ज़्यादा। तो वी वॉन्ट टू गैट इट बैक टू दैट लैवल। एवरीथिंग विल बी ऑन मैरिट, भावें रिक्रूटमेंट है भावें कुछ भी है, इट विल बी ऑन मैरिट। जिहड़ी उत्थे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे विल बी ऑन ई टेंडरिंग। मेरा मतलब कि वट एवर द जिहड़े असीं मैनीफेस्टो विच गल्लां कीतियां सी सारियां ही मैनीफेस्टो दी गल्लां विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स। जो नवी कमेटी बनेगी वो अपने फैसले लेगी, जो उन्होंने उत्थों जो चार्ज लेगी जो देखेंगे उसके बेसिस से दे विल टेक डिसीजन। आई कैन नॉट कमेंट एट द मोमेंट। फर्क अकाली दल पक्का जीतू पहले अकाली दल ची सी अकाली दल ची सी उहदे बाद कांग्रेस गया। एक उन्हां दी देखो कुछ कैंडिडेट की कुर्बानी, नहीं तो आम हुंदा है कि इलैक्शन जित के उसे डिफेक्ट कर जांदे विदाउट ही सेड नहीं मैं रिजाइन करदा एंड इज कमिंग बैक आफ्टर गोइंग टू द पीपल अगेन। ऐ नहीं है कि मैं मैंडेट किसी पार्टी का लिता हो ते तुसी शिफ्ट कर दो दूजी तरफ। जिवें हरियाणा च चली नहीं आता मैंडेट कितों लिता ते एंड दे आर गोइंग विद अदर लाइक चलो सट पाता टाइम। ही इज ओनली कैंडिडेट तुसी देखा होना जिन्हें कहा मैं फिर तो फतवा लूंगा जनता का। दिस शोज हिज क्रेडिबिलिटी एंड सिंसेरिटी टू द पीपल, नहीं तो जी वोटा कितों लो तो भाजो कि दैट इज बैड। वी आर एग्जामिनिंग दैट असी वी हैव अ वेरी गुड जो सीरियसली जिमें यूपी भी है राजस्थान भी है दे आर लॉट ऑफ अदर प्लेस। हरियाणा से तो असं इलेक्शन लड़े भी हैं, सिंबल साडा एम एल ए भी है असैम्बली च, हरियाणा च अकाली दल का एम एल ए भी है। नो वट एवर लैवल जिथे जिथे
अपनी कम्युनिटी पंजाबी बैठी है जिथे इतने पंजाबी बैठे है वी आर रेडी टू गो देयर ओ कोई असी हाँ पांच छे है बट एट द राइट टाइम पहले यार जंग जित लिए मोगे वाली उसके बाद फिर नैक्सट असी दसा पहले तो प्रैक्टिस कराने जो मैं लगता है एक बार इलेक्शन हो जाए फिर छे महीने बाद फिर तो करा लिया सो दैट सारे कैमरे पार्टी थैंक यू।